हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि नॉन एंटीजेनिक पेप्टाइड है वो कैसे प्रेजेंट होती है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो एमएचसी है वो सिर्फ प्रोटीन पेप्टाइड को प्रेजेंट करता है, टू टीसी सेल, एनटीएच सेल। बट हम जानते हैं कि एंटीजन तो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, हेप्टेंस, किसी भी फॉर्म में। तो वो कैसे प्रेजेंट होता है, और वो भी हाईली एंटीजेनिक हो तो वो प्रेजेंट होता है दूसरे किसी मॉलिक्यूल में जो सेल एमएचसी जैसा ही है, वो इसका नाम है सीडी वन मॉलिक्यूल। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा है जिसमें अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड बीटा टू माइक्रोग्लोब्यूलिन। ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा हुआ है, ये क्लास वन जैसा स्ट्रक्चर है एमएचसी। और इसका फंक्शन हम देखें तो फंक्शन इसका है क्लास टू जैसा, मतलब ये दोनों का कॉम्बो है। तो फिर ये एंटीजन लेगा और प्रेजेंट करेगा टू अदर टी सेल्स। तो ये होता है कि जब नॉन पेप्टाइड, नॉन एंटीजेनिक, नॉन प्रोटीनिक पेप्टाइड आती है तो वो प्रेजेंट सीडी वन पे होते हैं।